हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के बिहाइव के प्रोज का चैप्टर नंबर 8 है, रीच फॉर द टॉप। इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव एंड सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा। तो संतोष यादव का एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिया है, यदि उसको आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सेकेंड पार्ट मारिया शारापोवा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर के हम इसे शुरू करते हैं विथ एक्सप्लानेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा रेस्ट द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बैरली। यानी मारिया शारापोवा महिला टेनिस के शिखर पर तब पहुंची जब वह मुश्किल से, ए ऑप्शन है 17 यानी 17 की थी, बी ऑप्शन है 19 19 की थी, सी ऑप्शन है 18 18 की थी, डी ऑप्शन है 20 यानी 20 की थी। तो इसका सही ऑप्शन है सी 18। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा वाज बॉर्न इन, यानी मारिया शारापोवा का जन्म हुआ था, ए ऑप्शन है रशिया यानी रूस, बी ऑप्शन है साइबेरिया यानी साइबेरिया, डी सी ऑप्शन है अल्जीरिया और डी ऑप्शन है पोलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है बी साइबेरिया, यानी मारिया शारापोवा का जन्म साइबेरिया में हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड मारिया बिकम द नंबर वन इन द वुमेन्स टेनिस, यानी मारिया महिला टेनिस में नंबर वन कब बनी। तो ये ऑप्शन है मंडे 22 अगस्त 2005 यानी सोमवार 22 अगस्त 2005, बी ऑप्शन है मंडे 21 अगस्त 2005 यानी सोमवार 21 अगस्त 2005, सी ऑप्शन है मंडे 22 अगस्त 2006 यानी सोमवार 22 अगस्त 2006, डी ऑप्शन है मंडे 22 अगस्त 2004 यानी सोमवार 22 अगस्त 2004। तो इसका सही ऑप्शन है ए मंडे 22 अगस्त 2005 यानी सोमवार 22 अगस्त 2005। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मारिया वाज पैक्ड अप फॉर टेनिस ट्रेनिंग इन, यानी मारिया को टेनिस प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया था, ए ऑप्शन है यूके, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है बी यूएसए। फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज शारापोवा फादर्स नेम, यानी शारापोवा के पिता का नाम क्या था, ए ऑप्शन है माइकल, बी ऑप्शन है एलेन, सी ऑप्शन है जिम्मी, डी ऑप्शन है यूरी। तो इसका सही ऑप्शन है डी यूरी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हर मदर्स नेम वाज, उनकी माता का नाम था, ए ऑप्शन है ये लेना, बी ऑप्शन है सुसान, सी ऑप्शन है रुसाना, डी ऑप्शन है ग्लोरिया। तो इसका सही ऑप्शन है ए एलेना, यानी उनकी माता का नाम एलेना था। सेवन नंबर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मारिया व्हेन शी वेंट फॉर हर ट्रेनिंग, यानी जब मारिया अपने प्रशिक्षण के लिए गई तो उनकी उम्र कितनी थी, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 12। तो इसका सही ऑप्शन है ए 9, 9 साल। एट नंबर क्वेश्चन है, मारियाज फादर वर्कड फॉर टू, यानी मारिया के पिता ने किसके लिए काम किया, ए ऑप्शन है टू अर्न मोर एंड मोर यानी अधिक से अधिक कमाने के लिए, बी ऑप्शन है टू फीड हिज किड्स वेल यानी अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिलाने के लिए, सी ऑप्शन है टू सपोर्ट मारियाज टेनिस ट्रेनिंग फाइनेंशियली यानी फाइनेंशियली रूप से मारिया के टेनिस प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए, डी ऑप्शन है टू प्लान अ ग्रेट वैकेशन यानी एक बड़ी छुट्टी की योजना बनाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी टू सपोर्ट मारियाज टेनिस ट्रेनिंग फाइनेंशियली यानी फाइनेंशियल रूप से मारिया के टेनिस प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए। नाइन नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड एज अ यंग टेनिस प्लेयर मारिया वेंट टू बेड एट, यानी अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान एक युवा टेनिस खिलाड़ी के रूप में मारिया बिस्तर पे जाती थी यानी सोने जाती थी, ए ऑप्शन है 7 PM यानी शाम 7 बजे, बी ऑप्शन है 9 PM यानी शाम रात यानी रात 9 बजे, सी ऑप्शन है 8:30 PM यानी रात के 8:30 बजे, डी ऑप्शन है 8 PM यानी 8 बजे। तो इसका सही ऑप्शन है डी 8 PM यानी 8 बजे। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल ही स्टेइंग विथ अदर पीपल्स मैड मारिया, यानी अन्य विद्यार्थियों के साथ रहकर मारिया को बनाया, ए ऑप्शन है मेंटली टफ यानी मानसिक रूप से कठिन, बी ऑप्शन है मेंटली वीक यानी मानसिक रूप से कमजोर,
सी ऑप्शन है लूज इंटरेस्ट इन टेनिस, यानी टेनिस में रुचि खो देना। डी ऑप्शन है एंग्री एंड सफोकेटेड, यानी गुस्सा और घुटन। तो इसका सही ऑप्शन है ए मेंटली टफ, यानी मानसिक रूप से कठिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।